अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है मेड नॉलेज में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेमिन टेबलेट के बारे में, इसका फुल रिव्यू करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें इसके बारे में जानने के लिए, इसका डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कंपोजिशन सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं वीडियो को। स्टेमिन टेबलेट जिसका कंटेंट है बीटा मिथासोन, ये इसका कंटेंट है 0.5 mg है बीटा मिथासोन। इसमें ये आपको मार्केट में इजीली 6 रुपये में मिल जाएगा, आप कहीं से इसे ले सकते हो 6 रुपये में। बीटा मिथासोन जो कि काम आता है एलर्जी में बहुत बेहतरीन काम करता है। किसी दवा खाने से एलर्जी हो गई हो, कोई चीज़ खाने से एलर्जी हो गई हो, और शरीर में दाने निकल गए हों, खुजली हो रही हो, गले में खराश हो, सर्दी, बुखार, इस समय बहुत बेहतर काम करता है, एंटी एलर्जी में काम करता है। स्टेमिन एक एस्टेरॉइड टेबलेट है जो कि एस्टेरॉइड एलर्जी में काम आता है, बहुत बेहतरीन काम करता है। और जो स्टेमिन है उसे बनाने वाली कंपनी का नाम है स्विफ्ट लिमिटेड फार्मा द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और जो स्टेमिन टेबलेट है उसे खाने का तरीका है, खाना खाने के बाद एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम लेना रहता है। एक अडल्ट व्यक्ति को 15 साल से ऊपर वाले इसे एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम ले सकते हैं। इसे डॉक्टर की सलाह बगैर नहीं लेना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह बगैर नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हो तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें, उसके बाद इसका सेवन करें। कुछ सावधानियाँ हैं। सावधानी ये है कि इसे खाने के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई भी मेडिसिन हो खाने के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो महिला प्रेग्नेंट है या फिर जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। और लीवर या किडनी संबंधित कोई दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह बगैर ना यूज़ करें। ड्राइविंग ना करें, ड्राइविंग कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर से परामर्श करें उसके बाद करें। इसे बच्चों की पहुँच से बिल्कुल भी दूर रखें, अगर बच्चे ले लेंगे तो खा सकते हैं और उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए बच्चों की पहुँच से इसे दूर रखना चाहिए। तो हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ये है, आपको भूख में थोड़ी कमी हो सकती है, और जो आपकी हड्डी अगर इसे ज़्यादा खाते हैं तो आपकी हड्डी कमज़ोर हो सकती है, ये इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और ये आपके शरीर में और भी साइड इफ़ेक्ट ला सकता है अगर ये ज़्यादा उपयोग करते हैं आप, तो इसीलिए आप इसे डॉक्टर की सलाह बगैर ना उपयोग करें। अगर डॉक्टर की सलाह बगैर करते हो तो आपको झेलना पड़ सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी मेडिसिन हो बिना डॉक्टर की एडवाइस नहीं लेना चाहिए। तो ये थे साइड इफ़ेक्ट, डोज, बेनिफिट। प्राइस तो हमने आपको बता दिया जो कि 6 रुपये में आप मेडिकल पे ले सकते हो, कोई भी मेडिकल पे, लेकिन डॉक्टर से सलाह बगैर ना लें। तो ये था हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर स्टेमिन टेबलेट के बारे में अगर पूरी जानकारी ना मिली हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आके हम उससे बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी के बारे में जानना है या स्टेमिन के बारे में जानना है या किसी दवा के बारे में जानना है तो वहाँ पे आप आके हमको बता दीजिए। थैंक यू।